जो 7:35 में ट्रेन आने वाली थी, 7:35 मॉर्निंग के 7:35 में, वो 15 घंटे लेट है। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो लेट हुआ ट्रेन ना, वही बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, लस्सी पीपी के काम चलाना पड़ रहा है। पर क्या कहें दोस्त, खाए लगी कुछ व्यवस्था नहीं है। वेटिंग हॉल में मैंने कंप्लेंट डाला है इसने आज, तो तभी आकर के उन्होंने साफ करा, ना लाइट थी उसमें ना वो साफ था। बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम है मेरा, सेकंड ईयर के एग्जाम है, तो मुझे लग रहा है कि छूट जाएगा कि दे दीजिएगा। इस ट्रेन से तो नहीं पॉसिबल है कि मैं पहुंच पाऊंगी, लेकिन बहुत लेट ट्रेन है भाई। बोली स्पेशल में स्पेशल निकल गया। आह मत कहो भाई, बहुत बुरा हाल हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन पे, और आप यहां का नज़ारा देख रहे हैं कि काफ़ी खाली रहता था शुरू से और अभी भी खाली है, लेकिन यहां जो लोग लेटे हुए हैं उनसे नाम भी जानेंगे और पूछेंगे कि व्यवस्था कैसा है। भैया नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह, काफ़ी थक गए हैं। काफ़ी थक, थोड़ा सा बैठ के बात हो जाए, बैठ के बात हो जाए। क्या नाम बताया आप? ब्रजेश जी, ये बताइए कि व्यवस्था तो बड़ा टाइट होगा यहाँ। काफ़ी टाइट है। काफ़ी टाइट, मतलब कि खुश है ना? हाँ काफ़ी खुश है, व्यवस्था देख के काफी खुश है। क्या व्यवस्था है ये बता दीजिए। ऐसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, सुबह से ट्रेन के इंतजार कर रहे, जो 7:35 में ट्रेन आने वाली थी, 7:35 मॉर्निंग के 7:35 में, वो 15 घंटे लेट है। 15 घंटे लेट है, कौन सा ट्रेन है भैया? दिल्ली से होली स्पेशल ट्रेन। होली स्पेशल ट्रेन जो निकला था वो लेट है 15 घंटे। 15 घंटे लेट है, 15 घंटे लेट। और यहाँ का व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ का व्यवस्था कैसा रहता है? वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेकार नहीं है। बेकार नहीं है, अगर आपको कुछ भी चाहिए होता तो मिल जाता है। हाँ मिल जाता है। और ट्रेन के लिए कितना देर वेट कर रहे थे और कहाँ जाना है आपको? जानी है दिल्ली। दिल्ली जाना है? दिल्ली जाना है। सारे लोग यहाँ जितने भी, बहुत लोग थक गए होंगे? जितने लोग आए तो सबके सब घर वापस चले गए। अभी स्टेटस दिखा रही कि 4:50 में यहाँ पे आएगी। तो मुझे लग रहा है कि जाने में भी तो टेंशन होगा। जाने में भी टेंशन, काफ़ी टेंशन है, क्योंकि ये काफ़ी आउटर पे है, पाटलिपुत्रा स्टेशन है। अगर कोई राजेंद्र नगर से है, कोई पटना सिटी से है, तो एक बार जो आएगा 400 फेयर लगा के फिर आने में आपको कितना दिक्कत हुआ? आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह के समय में काफ़ी ट्रैफिक तो थी नहीं, तो आने में ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं थी। नहीं, 15 घंटा रुके में तो रोना तो आ रहा, रोना तो काफ़ी आ रहा है। वो भी 15 घंटे में आ जाए तो आ जाए, हो सकता है कि 18 घंटे। सीधा ये कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर लोग रो रहे हैं, रो ट्रेन नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रो रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको सोनपुर जाना है। सोनपुर जाना है, तो व्यवस्था यहाँ कैसा है, ठीक है कि बेकार है? यहाँ ठीक है, अभी ट्रेन टाइम पे आता है कि ना आता है? आता है सर। आता है। आने में दिक्कत होता है कि ठीक है? आने में हमको दिक्कत नहीं होता है सर। आने में आपको दिक्कत नहीं होता है। ये शख्स मौजूद है, पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है आपको, आपको कहाँ जाना है? सिलीगुड़ी जाना है। सिलीगुड़ी जाना है, ट्रेन टाइम पे लेट है? लेट है, लेट है। वो शख्स देख रहे हैं, वो 15 घंटा लेट है और रो रहे हैं उधर। आपका कितने घंटे लेट है? ये हमारा तो ज़्यादा नहीं, देख के बताते हैं मैं एक मिनट। फिर अच्छा, आने में दिक्कत हुआ कि ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, मैं टाइम से पहले ही आ गए। टाइम से पहले आ गए, आने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं नहीं, आने में कोई दिक्कत हुआ? आप मौजूद हैं, आपके साथ ही रो रहे हैं कि 15 घंटा लेट है ट्रेन। हाँ। तो क्या करें, निराश हो गए? बहुत बहुत ठीक है, लस्सी में काम चल रहा है। आने में कितना दिक्कत हुआ यहाँ पर? बहुत कोई चीज दिक्कत नहीं है। कोई चीज दिक्कत नहीं, व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा है। चलिए खुश है। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो लेट हुआ ट्रेन ना, हाँ। वही बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, लस्सी पीपी के काम चलाना पड़ रहा है। पर क्या कहें दोस्त, खाए लगी कुछ व्यवस्था नहीं है। खाए लगी ना व्यवस्था है। चिप्स कितना खा जाएगा? चिप्स कितना खाएगा आदमी, हो खाना ना खाएगा? खाना ना मिलता है। अब खाना बोलता ढूंढे कि नहीं ढूंढे, मिला कि नहीं मिला? ढूंढे तो नहीं है दोस्त, खाना देखते हैं कहीं मिलता है तो, लेकिन बहुत लेट ट्रेन है भाई। होली स्पेशल में स्पेशल निकल गया? नहीं। आह मत कहो भाई, बहुत बुरा हाल हुआ। रोने को जी कर रहा हूँ। ना 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 ना, लस्सी पी रहे हैं। 15 घंटा लेट है, लस्सी से काम चला रहे हैं। और यहाँ पे फैमिली भी है जिससे हम सवाल करेंगे कि जा रहे हैं कहाँ, ट्रेन लेट है या टाइम से? मतलब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं, 15 घंटे लेट है सुन रहे हैं? हाँ जी, बहुत लेट है वो। आप कहाँ के रहने वाले हैं पटना में? पटना से नहीं, मैं तो कहलगांव से आ रहा हूँ। तो कितने बजे से यहाँ बैठे हुए? अच्छा हो गया, 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे से? हाँ, सुबह ही आया था मैं 7 बजे। तो दिक्कत कितना हो रहा है? हम सुने कि यहाँ पे लेट हो रहा है ट्रेन, इसलिए हम भी पहुँचे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वैसे, हमें तो जाना था, इसका एग्जाम भी है वहाँ पे कुरुक्षेत्र। कौन सा एग्जाम है आपका? बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम है मेरा, सेकंड ईयर के एग्जाम है, तो मुझे लग रहा है कि छूट जाएगा कि दे दीजिएगा। इस ट्रेन से तो नहीं पॉसिबल है कि मैं पहुंच पाऊंगी। तो मेहनत सारा बेकार हो जाएगा अगर छूट गया तो? इसलिए हम ट्रेन के आसे नहीं है ना, अब हम दूसरा बस पकड़ लेंगे। अब बस से जाना चाहते हैं। व्यवस्था बताइए इससे, मैं वही जंक्शन के बारे में। यहां से तो कुछ भी नहीं, यहां तो सब कुछ बेकार है। आने में कितना दिक्कत? और मैं जाओगे, अभी वेटिंग हॉल है ना, वेटिंग हॉल पे मैंने कंप्लेंट डाला है इसने आज, तो तभी आकर के उन्होंने साफ करा, ना लाइट थी उसमें ना वो साफ था। वेटिंग हॉल में ना लाइट है ना कुछ है? हां अब है, अब कर दिया उन्होंने, जब कंप्लेंट डाला उसके बाद उन्होंने करा। कंप्लेंट डालना पड़ा? यस, मैंने कॉल किया 139 पे, कंप्लेंट किया कि
ना सफाई है ना इलेक्ट्रिसिटी है, तब उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया, तब सफाई करने के लिए झाड़ू लगाने आई मेड और इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुआ। 5-6 घंटे से यहाँ बैठी है, अजीब लग रहा है। अपर क्लास का सोचिए ऐसा हाल है, तो ऑब्वियसली सोच लीजिए आपकी लोअर क्लासेस का क्या होगा। अर्जेंट में लेना पड़ा, हमें सेकंड क्लास का टिकट था हमारा, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे बस स्टैंड, देखते हैं बस स्टैंड में अगर मिल जाता है कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस है क्या करूँ फिर, मतलब कोई ऑप्शन ही तो नहीं दिख रहा, यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं है, सुबह भी सोचा तत्काल बुक कर लो, तत्काल बुक हुआ नहीं, हाँ नहीं हुआ। जंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सही है कि गलत? मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पहली बार में तो हाँ मतलब फर्स्ट। जंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत? जंक्शन के बारे में और व्यवस्था के बारे में से ज़्यादा मुझे ये है कि ट्रेन रेल यात्रा को सुगम बनाना चाहिए, टाइम मैटर करता है, अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारा अभी तक आई, उधर वाली तो आई नहीं, वही तो बन के जाएगी इधर से, आई नहीं तो जाएगी, हाँ अभी तक आई नहीं है। चलिए और शख्स मौजूद हैं, पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर। ट्रेन टाइम पे लेट है? अभी तो जो मेरा ट्रेन है वो तो बता नहीं पाएंगे, बता ही नहीं रहा, नहीं बता नहीं पाएंगे अभी, वो तो 2:45 में है 4 नंबर प्लेटफार्म से। चलिए आप बताइए कि कितना लेट हो रहा है? लेट तो मेरे ख्याल से नहीं है, टाइम ही पर है, दो हाँ टाइम ही पर, हाँ टाइम ही पर। व्यवस्था बताइए, पाटलिपुत्र जंक्शन आने में लेट हुआ आपको या दिक्कत हुआ कुछ? नहीं नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देखिए ट्रेन दूसरा आ जा रहा है, लेकिन 15 घंटे से इंतजार कर रहे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन पर लोग, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आपको दिख रहा होगा पाटलिपुत्र जंक्शन है ये, सारे लोग दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन इतना लेट हो गया है कि सब लोग परेशान हो गए हैं। देखिए हम बात करेंगे, देखिए जो शख्स वहाँ पे बैग लेके बैठे हुए हैं सब लोग मुझे लग रहा है दिल्ली ही जा रहे हैं सब लोग। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? दिल्ली कहाँ जा रहे हैं? गुवाहाटी। टाइम पे ट्रेन की लेट है? नहीं मैम, ट्रेन का भी टाइम नहीं है, अभी नहीं आया, अभी आएगा। बताइए कि परेशानी हुआ आने में यहाँ पे? कुछ नहीं, नहीं ऑटो वगैरह का जो है भैया, जो टाइम ऑटो वगैरह का जो रेट है वो फिक्स रेट होना चाहिए, ऑटो वाले लोग मनमानी करते हैं, एक तो उसका शेड्यूल होना चाहिए कि हमको इतना पैसा, इस जगह का इतना डिस्टेंस है तो इतना पैसा होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? रैक्सल। ट्रेन लेट है कि टाइम से? ट्रेन टाइम से। टाइम से? ट्रेन कब है आपका? टाइम से लेट से? लेट है, 2 बजे लेट नहीं है, लेट नहीं है। आने में कितना दिक्कत हुआ इस जंक्शन पे ही बताइए? अरे कुछ टेंशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं कोई दिक्कत है। चलिए जो शख्स ज्यादा बोल रहे हैं उन्हीं से बात कर रहे थे, बताइए कि कहाँ जा रहे हैं? रक्सल जा रहे हैं। रक्सल। टाइम पे ट्रेन की लेट है? नहीं लेट नहीं है, फिक्स टाइम है। फिक्स है। बताइए कि जंक्शन पे कोई भी तरीके का कमी तकलीफ नहीं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस बिल्कुल मस्त है। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? इधर बैठे हैं 8 बजे के आ गए, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से बैठे? खाए क्या? खाए अभी भात खा के आए, चावल बाहर से? हाँ बाहर से। चलिए इसको कहते हैं कि देखिए जहाँ कमी है उसके। ट्रेन तो ठीक है लेकिन बहुत मतलब लेट करके आती है ना, मसरक से आने में इसको मतलब कि 8 बजे वहाँ से चलती है तो यहाँ 1 बजे पहुँचती है। हाँ, दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मसरक से आ रहे हैं। कितना देर में? कितना? हम 8 बजे वहाँ चढ़े और 1 बजने जा रहा है, 5 घंटा हो गया। 5 घंटा? हाँ। अब जाएंगे कैसे घर? घर कहाँ, यहाँ हमारा पटना में मतलब डेरा है, यहाँ टेम्पू से जाएंगे। टेम्पू वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं कम लेते हैं? ना टेम्पू वाला यहाँ से 10 रुपया लेगा पुल पर। हाँ। और वहाँ से 5 रुपया गोला रोड। लेट हो गया है? लेट तो 5 घंटा लेता है ना, इसको 2 घंटा में आना चाहिए। परेशानी है? बहुत परेशानी, पूरे दिन कट जाता है इसी में, पूरे दिन कट जाता है। चलिए ये शख्स और यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, बताइए नाम क्या हुआ आपका? एमडी साबिर। कहाँ जा रहे हैं? जाना मसरक। मसरक। ये बताइए कि आपका ट्रेन टाइम पे है कि लेट है? टाइम पे है, टाइम पे अभी आई नहीं है। अभी आई नहीं है? हाँ टाइम पे आ जाएगी ना? हाँ आ जाएगी बिल्कुल। कहाँ से आप आए हैं? मैं पटना से आया हूँ, जाना है मसरक। जाने में कितना आने में कितना दिक्कत हुआ ही बताइए? आने में तो आने में दिक्कत हुआ, ज्यादा पब्लिक थी। पाटलिपुत्र जंक्शन लगता कैसा है? बहुत बढ़िया भैया, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं होती। लोग बोलते हैं कि इसका व्यवस्था, जहाँ रुकने वाला व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उसके बाद कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नहीं हमें तो अभी जब तक सफर कर रहा हूँ जब से नहीं लगता है ऐसे। ऑटो से जाने में दिक्कत नहीं होती, रात में थोड़ी दिक्कत होती है। रात में दिक्कत यही होती है कि मतलब चोरों वोरों से, मतलब मेरा फोन अभी यहीं से जा रहे थे कुछ दिन पहले, गुम हो गया, छीन लिया गया। इनको रात में दिक्कत होता है, आपको क्या दिक्कत होती है? नहीं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। पाटलिपुत्र एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आने पे ऐसे वो गौतम बुद्ध का जो यहाँ का जंक्शन में दिक्कत होता है कि नहीं? नहीं जंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखिए कहाँ जा रहे हैं? सासामुसा। ये बताइए कि यहाँ पाटलिपुत्र जंक्शन है जो है उसमें दिक्कत होता है कि नहीं? नहीं हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता। रात में आपके साथी को डर लगता है आपको?
हम तो अभी आए नहीं, एक बार आए हैं तो जंक्शन पे उतर गया था। यहाँ पे नहीं, यहाँ से थोड़ा दिक्कत होती है जाने में, पटना जंक्शन यहाँ से दिक्कत होती है जाने। आप बताइए कि कहाँ के रहने वाले? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से इस जंक्शन पे कितनी बार आए? मैंने पहली बार ही आया हूँ। व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? व्यवस्था सही है, सही है अभी तक तो, सही दिख रहा है मेरे को। कैसे जाएंगे आप यहाँ से? यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूंगा, पटना जंक्शन के लिए ट्रेन था, ट्रेन निकल गया, अब ऑटो पकड़ू, ट्रेन निकल। बड़ा दिक्कत होता है ट्रेन में, किसी का ट्रेनें लेट है, किसी का ट्रेनें छूट जाए। ट्रेन में वो है ना, टाइम से 2 मिनट पहले निकल गई यहाँ से ट्रेन। देखिए पाटलिपुत्र जंक्शन हम मौजूद थे और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे हमने उनसे सवाल किया कि भैया कितनी देर से अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो भैया 15 घंटा से लोग इंतजार कर रहे थे। और जितने भी लोग मिले हम उनसे पूछे तो कोई बोला कि जी हाँ व्यवस्था बहुत सही है, बहुत ठीक है, लेकिन बहुत लोग नाराज थे। साफ कह रहे थे कि जहाँ रुकने का व्यवस्था किया जाता है वहाँ बहुत गंदगी थी, फ़ोन करने के बाद ठीक किया गया। उसके बाद जो ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे वो लोग काफ़ी नाराज थे कि होली स्पेशल तो निकाला गया था लेकिन 15 घंटे कौन इंतजार करेगा, किसी को खाना मिल गया था तो किसी को खाना नहीं मिला था। क्या कुछ कह रहे थे लोग, पॉजिटिव पॉइंट भी आप देख लिए, नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए। देखिए यहाँ कमी भी है और सही भी है, लोगों का क्या कुछ कहना था, किसी को रात में डर लगता है तो किसी को यहाँ आना ही नहीं पसंद है। क्या कुछ माहौल था पाटलिपुत्र जंक्शन का वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।